तो यहाँ से शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग की। पकड़ो ना थोड़ा इसको बस एक बार। हाँ दिखाई हूँ पिछले ब्लॉग में, तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैं हील पहनू की फ्लैट अच्छा नहीं, फ्लैट अच्छा है, चलो कंफर्टेबल रहोगी। तो मैं जा रही हूँ जैसे कि मनीषा दी के बेटे के बर्थडे में, तो यहाँ पे गिफ्ट वगैरह हम लोगों ने ले लिए हुए हैं। गोलू प्रियंका को भी मैं रुक के दिखा देती हूँ। दिस इज गोलू। कपड़े तो हम लेके आए थे दूसरे कुछ पहनने के लिए, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। नहीं, समय नहीं था ड्रेसअप करने का, तो हम लोग निकल चुके हैं। जाके एक घंटे में वाके फिर आना भी है। मैं जाऊँ तो हम आ गए हैं पार्टी, तो पार्टी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, डीजे की आवाज सुन रही हूँ, लेट हो चुके हैं। हाँ वो बोलेंगे भी फिर फर्स्ट पे कॉल कौन है, कोई ब्लू वाइज को जाना होगा हमारी तरह कुछ लोग, तो डीजे की आवाज सुन के ही लग रहा है। मैं कैसी लगती हूँ बताइएगा। जाके और मनीषा जी से मिलेंगे, पटाख से सबसे मिलते हैं, प्रेम लग रहा है, चल रहा है। प्रियंका वाले की उसमें है, पता नहीं कौन एक फ्रेंड अगस्त आने वाली है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। गिफ्ट बोले मनीषा जी के बर्थडे में उनकी एक फ्रेंड मिली थी, मेरी फ्रेंड मिली। सिक्स है चप। ये देखिए, अब मैं बंद करूंगी, वॉइस ओवर करना पड़ेगा यहाँ से। तो उम्मीद करूंगी कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे आ चुके थे बहुत सारे गेस्ट, और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में आ जाएगा कॉपीराइट। लगातार म्यूजिक जो है वो ऑन था। यहाँ पे देखिए मनीषा जी, मतलब जी मैं बोल देती हूँ लेकिन मेरे से छोटी है, मनीषा ही बोलूँगी, जी मतलब मेरी आदत है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सुंदर तो वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब उनकी जो स्किन है, जो आप लोग देखते हैं ना कोरियन ग्लास स्किन, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतनी सुंदर स्किन देखी है, जिसकी स्किन बहुत, क्या बोलूँ, तारीफ़ के लिए कोई वर्ड नहीं है। बहुत डिसेंट साड़ी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने सोच लिया किसी फंक्शन में ना मैं ये साड़ी उनका मांग के पहनूँगी। हाँ मतलब चलता है मेरे में और उनमें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सुंदर साड़ी लग रही थी, मतलब मैं डिसेंट होता ना कि लुक बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने यहाँ पे सूट पहना था। अभी मैं जिनको प्रणाम कर रही हूँ वो मनीषा की मम्मी जी हैं, जो कि वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़ी, मतलब बड़ी मैं कह सकती हूँ। यहाँ से उनके छत पर प्रोग्राम था और 80 घाट दिख रहा था, सारे घाट दिख रहे थे। व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि पूरा बनारस ही जैसे दिख रहा हो, मतलब फर्स्ट टाइम इस तरीके से देखा। यहाँ पे देखिए आ गई है पूरी फैमिली, और अभी कट मतलब केक की कटिंग होगी। और यहाँ पे एक छोटी सी जो लड़की खड़ी, उसका नाम ध्वनि है, और रियली में वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी है। और यहाँ पे देखिए शिवू है, शिवू के यहाँ अभी बहुत बदमाश भी हो गया है, मैं बाद में बताऊँगी उसके किस्से, बहुत मज़ा आया। और फिर यहाँ पर बहुत अच्छा सा डेकोरेशन हुआ था, मतलब खुद के छत पर इतना सब कुछ होना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए अभी केक कटिंग की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे ये है शिवू की दादी, मतलब आजी, यहाँ पे नानी है, नाना जी हैं, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे, मैं सबको नहीं पहचानती हूँ। और देखिए डॉक्टर बहुत बड़े बड़े आए थे, अलग अलग हॉस्पिटल से आए थे, अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग मालिक भी आए थे, बट मैं सबको नहीं जानती हूँ और मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब है ना, मेरा जो काम है मैं मतलब वो कर रही थी। यहाँ पर बहुत से लोग मुझे ना यहाँ पर एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया जाता है, मतलब मोस्टली लोगों को लगता है कि मैं मनीषा की रियल सिस्टर हूँ। या कई लोग पूछते हैं कि क्या आप मतलब उनके जो हस्बैंड हैं, मैं उनकी जो है वो रियल सिस्टर हूँ। यहाँ पे देखिए डॉक्टर मल्लिका आ गई, आते मतलब सब लोग मुझे ना इतना कम्फर्ट फील कराते हैं, इतना अपनापन यहाँ पर मुझे मिलता है ना, सब लोग मुझे एकदम अपने जैसा, अपने तरह हम मुझे फील कराते हैं, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर हो, चाहे मतलब उनके रिलेटिव हों, उनके फ्रेंड्स हो, सबको ये लगता है कि मैं मनीषा की सिस्टर ही हूँ। मैं बाबू के लिए ये वाला गिफ्ट लेके गई थी और मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट नहीं हो पाया, कभी कभी होता है ना। अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो खाना था, ये वाली चाट तो इतनी टेस्टी थी, मैं तो दो तीन खाने वाली थी बट कोई नहीं, मैंने अपनी सेहत का ध्यान रखा, क्योंकि जो डॉक्टर मुझे वो कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मतलब अरे देखभाल नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जिनके यहाँ पे मैं जाती हूँ रिपोर्ट्स वगैरह चेक कराती हूँ, वो भी वहीं थे, तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं मैं, मतलब एक होता है ना डर, नहीं मतलब ये लग रहा था कि मैं कितना खाऊँगी, वैसे मैं कम खाना खाती हूँ,
फालतू चीज़ें ज़्यादा खा लेती हूँ। यहाँ पे ये गुलाब जामुन था जो मैंने सिर्फ एक खाया अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। अब बारी थी डांस फ्लोर पे जाने की, तो मेरा मन कर रहा था कि सबसे पहले डांस मैं ही स्टार्ट कर लूँ। मुझे पता है कि आप लोग ना वो वाले ब्लॉग मिस कर रहे होंगे जो एक इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं फट 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 जो मैं रील में बोलती, अरे माफ़ करिएगा, ब्लॉग में बोलती थी, वो ब्लॉग अभी नहीं देख रहे हैं। मैं बहुत वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं मेरे वॉइस में आपको दिख रहा होगा, बहुत जल्दी शायद आए वो कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे देखिए मैं डांस करने में सबसे नंबर वन हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता डांस का डी भी, बट जो उत्साह है ना वो मैं क्या बताऊँ। देखिए शुरू हो गई, मैं सबसे शुरुआत जो थी वो मैंने की थी, फिर डॉक्टर अमित जी और मनीषा जी, अमित और मनीषा मतलब रॉक, अमित जी डांस बहुत अच्छा करते हैं, मनीषा भी बहुत अच्छा करती हैं, तो उन दोनों का हुआ यहाँ पे कपल डांस और उसको भी मैंने बहुत इंजॉय किया, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया। तो यहाँ पे देखिए कौन से गाने पे हो रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये कौन से गाने पे हो रहा है, लेके आया ना रजाई में शायद इस पे हो रहा है, जो भी हो रहा हो डांस अच्छा। और फिर यहाँ पे डॉक्टर्स का ग्रुप आ गया यहाँ पे, फिर उनकी वाइफ और यहाँ पे ये प्रियंका की फ्रेंड बन गई है, नहीं नहीं अगस्त्या डॉक्टर, ये BHU से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं डॉक्टरी की, और सारे डॉक्टर्स हैं। मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरी फ्रेंड्स, मतलब एक होता है ना एक प्यार देना बहुत बड़ी बात होती है, किसी को बुलाना बड़ी बात नहीं होती है, किसी को बहुत सारा प्यार देना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और इतनी अच्छी पार्टी इंजॉय किया। तो बाबू को हैप्पी बर्थडे आप लोग ज़रूर बोलिएगा, मिलते हैं आप सबसे कल। मैं आ गई हूँ पार्टी में से, और ये खाएगी भी दीदी, मेरे से मार खाएगी पार्टी, पार्टी बहुत हार्ड हुई क्योंकि इतनी मेरी बहन डॉक्टर भी बोल दे कि तुम्हारा वजन नहीं, मैं जैसे रसगुल्ला मतलब गुलाब जामुन खाने जा रही हूँ, तो जो डॉक्टर है जो मुझे मतलब बहुत महीनों से ना बहुत महीनों से मैं उनके उसमें कंस्ट्रक्शन में कंसंटेशन में हूँ, मतलब देख रेख में हूँ, कंस्ट्रक्शन में नहीं उनके देख रेख में हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि आप ये दवाई खा रही हैं, आप ये वजन कम कर रही हैं, आप ये अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं। मैं एकदम शर्मिंदा हो गई, पानी पानी हो गई। बता दूं मेरी दीदी 70 किलो की हो गई है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी, बहुत बहुत मजा आया, हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए क्योंकि यहाँ पे 62 kg झूठ बोल रही है एक जन होनी है खुलल बड़ी कि छम छम नच दी फिरा कि छम छम नच दी फिरा कि छम छम। गोलू भी अब डांस करना स्टार्ट कर दी है, मनीषा गलती कर दी हो, गोलू का डांस तुम नहीं कर रही हो, पब्लिक में आना चाहिए वाले रे नाचल कर। और मैं अपना वेट कम कर चुकी हूँ, काफी मेहनत कर रही हूँ। फट फट गोलू डांस कर चुकी हूँ दीदी, जहाँ हमने कल दिया गोलू नाच बस ना आई बस गोल दीदी ना। सारे जहाँ को भूल के मैं तेरा नाम लूँ ना 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 ना। बस मेरे क्यों नाम निकाला, मैं एंजॉय करी। तो मिलते हैं आप सबसे कल क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने। अब तो डांस सीखना पड़ेगा ना, डांस करूंगी शादी के लिए। बाहर बने कॉल ही रहा डॉक्टर, हाँ वो तो कल कैरेटीन थोड़ी देखी करवाऊंगी। हाँ कोई भी हो हम तो ना बनती, वो कैरेटीन नहीं हुआ है मेरा, स्मूथनिंग नहीं हुआ है, लाइक मैंने कहीं भी लेके जाएंगे अब हम ले।